तो गाइस, बचपन में ही आप लोगों ने एक गेम का नाम जरूर सुना होगा। उसका नाम है पोकेमोन। पोकेमोन एक हमारी दुनिया में एक बहुत बड़ी गेम मतलब सीरीज है जिसे हम लोगों ने कब का देखा है। कोई भी ऐसा बंदा ना होगा जो पोकेमोन को ना जानता हो। मेरा पूरा बचपन इसी यादों से भरी हुई एक गेम मैं आप सभी के साथ पेश करता हूँ जिसका नाम है पोकेमोन द लास्ट फायर एडवेंचर। तो गेम अभी शुरू हो रहा है शायद गाइस। तो अभी ये बात ये है कि मैं माइनक्राफ्ट का वीडियो डालना चाहता था लेकिन मैं एक नया कुछ कंटेंट ढूंढ रहा हूँ उसके लिए, क्योंकि हमारा ये वाला सीरीज इतना भी अच्छा नहीं जा रहा। भले ही गेम अभी ख़त्म होने को है, अभी हमारा सीरीज भी ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट लेट कर रहा हूँ। और वैसे बाय द वे आज हमारा एग्जाम ख़त्म हुआ है तो सॉरी तो अभी हमारा वीडियो नया शुरू हो जाएगा। तो ये एक मेरी छोटी सी सीरीज है, फिर भी बीच बीच में माइनक्राफ्ट का वीडियो आएगा। कल परसों तक तो आ ही जाएगा। मैं आज नहीं कल टेस्ट करूँगा, परसों तक शायद आ जाना चाहिए। अभी मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और इस सीरीज़ को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब और अपना प्यार जरूर देना हमारे माइनक्राफ्ट की तरह से। तो पोकेमोन मैं आपसे बन रहा हूँ एक पुकी ट्यूबर। तो आप लोगों ने सुना मैं बन रहा हूँ पुकी ट्यूबर। तो चलो अभी हम लोग अपना गेम शुरू करते हैं। 3 2 1 चलो। तो अभी मैं म्यूजिक ऑन कर देता हूँ, 1 मिनट। इतना ज़्यादा भी नहीं यार। तो गाइस चलो, मेरा आवाज़ सुन पा रहे हो तुम लोग? चलो अभी अभी मैं ये सब फास्ट फास्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ जो देखने वाले हो आप लोगों ने ज़रूर रेड चैप्टर खेला होगा, जो बहुत ही फर्स्ट गेम है GBA का, निंटेंडो का। तो ये इसका रीमेक वर्सन है, पोकेमोन लास्ट फायर रेड वर्सन इसका ये रीमेक है। इसमें बहुत सारे रीजन का वो ला चुका है। तो मैं इसमें एस नाम देता हूँ इसे, चलो हमने एस नाम दे दिया है इसको। और अभी ओपोनेंट का नाम भी दे देते हैं। तो इसका नाम हम लोग देना चाहूँगा मैं ग्रीन दे देते हैं अभी के लिए। तो इसमें बहुत सारे रीजन्स मतलब जितने भी पोकेमोन का वो है ना रीजन है, वो सब कुछ है मतलब सारे पोकेमोन से। सो अभी इस गेम के सीरीज को खेलने में बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग खेल सकते हैं, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप लोग शायद दे चुका होगा। तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ईजी, मैं मीडिया फाइल का ही लिंक दे दूंगा डायरेक्ट। इसे आप सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना जेदर सीवर से और डाउनलोड करना, ये जॉन GBA लाइट इमुलेटर। फिर उसमें जो एक छर्स का ऑप्शन है उसे दबा देना, फिर गेम अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा और आप लोग खेल सकते हैं। तो बहुत कम साइज है, 13 MB है। अभी हम लोग चलो शुरू करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि हम कौन से ऑप्शन में खेलें। मैं कुछ नहीं खेलने वाला, नॉर्मल खेलने वाला हूँ। तो अभी मम्मी जी कैसे हो? मम्मी जी ने हमें बुलाया है। तो बेटा अच्छा, मैं गिफ्ट देने वाला हूँ। ओह, ये शाइनी शाम है जो पोकेमोन का शाइनी वर्सन पकड़ने में मदद करेगा। तो अभी मैं आप लोग को थोड़ा मैंने खेल के रखा इसलिए मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ। तो यार आप लोग नॉर्मल पोकेडेक्स नहीं है ये सब। तो इस वक्त तो ब्लू से मैं बात नहीं करने वाला, मैं अपने राइवल से मैं डायरेक्टली वहाँ से ये कौन है? यू ये सेरिना है। ये कैलॉस रीजन मतलब पोकेमोन एक्स एंड वाई का जो सीरीज है अगर याद है तो वो वहाँ से है। तो आज से मैं एक ट्यूबर बन चुका पोकी ट्यूबर। तो ऐसे आप लोग सपोर्ट करते रहो। अभी मैं एक असली वाला पोकी ट्यूबर बन चुका हूँ।
circles to get away. I'm in the same place. अभी हमें पोकेमोन चूज करने का मौका आ रहा है, तो मैं स्कॉर्पियन ही लेने वाला हूँ, क्योंकि ये नया वर्जन जो नया सीरीज अभी शुरू हुआ है ना, 2019 में शुरू हो चुका है वो वाला मतलब क्या बोलते हैं रीजन का पोकेमोन है, तो इसका नाम स्कॉर्पियन है। हम लोग रखेंगे गंगा रखते थे चलो, अभी इसे हम क्या ये हमारा वाटर टाइप ले लेगा, कोई बात नहीं, रह देगा हम लोग की मतलब प्रोफेसर ओक से बात करते हैं। चलो चलो चलो, अभी हम यहाँ से इधर इसी के साथ मेरे बच्चों जाएंगे, वैसे ऐसा हम लोग देख सकते हैं पूरे वो अलग किस्म का है, मतलब यह रीमेक किया है ना, इसलिए बहुत अच्छा गेम है। आप लोग ट्राई करना जरूर अगर आप लोग देख रहे होंगे, मैंने जैसे आप लोगों को पहले बोला वैसे ही, और इस सीरीज को प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कर भूलना वैसे, और हम लोग ये जीत चुके हैं, ये लेवल 6 हो चुका है हमारा स्कोर बनी गंगा, सॉरी इसका नाम तो गंगा है, ये मेल है वैसे, फीमेल नाम ले दी है, कोई बात नहीं, मेल फीमेल में क्या रखा है। तो अभी हम लोग मम्मी जी से एक बार मिल जाते हैं, मतलब हेल्प कर जाते हैं, यहाँ पर मम्मी जी हेल्प कर देती है हमें, देखो तो अभी हम लोग चलते हैं। चलो अभी हम लोग मतलब मैं फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर रहा हूँ, एक मिनटी का जिससे हम लोग वैसे ये टिप्स देखी गई है, ऐसे हमें और मिलेंगे। तो अभी हम लोग अगले टाउन में चलते हैं, और कुछ प्रोफेसर लोग मतलब हमें पार्सल लाने को बोल रहे हैं, तो अभी मैं जाके देख लेता हूँ, कोई बात नहीं, पहले हम लोग इससे लड़ लेते हैं। ये कोई ट्रेनर है वो रिची है, ये याद है रिची कौन है, और मुझे पोकेमोन के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि मैं फैमिली हूँ पोकेमोन एनिमी का, तो इसलिए। तो इसके पास लेवल 4 है, मेरे पास लेवल 6 का है, वैसे हम लोग पिका चुको बाण भी लग चुका है, तो फिर लास्ट प्लेस मत होना। हाँ ठीक है ठीक है, और ये हम लोग जीत चुके हैं गाइस, ये देख सकते हो आप लोग, हम लोग जीत चुके हैं, लेवल 7 का हो चुका है ये एकदम रीमेकिंग है, जो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखकर। वैसे यहाँ पर मुझे कोई किसी का इंस्ट्रक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने पोकेमोन फायर रेड खेल के रखा है बहुत साल पहले, मतलब जब मैं छोटा था तब मतलब क्लास 5 में खेल चुका था शायद, तब तक तो मोबाइल निकल चुका होगा, मुझे इतना याद है, टच स्क्रीन मोबाइल इतना भी अच्छा नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग निंटेंडो में भी खेलेंगे, अगर हम सपोर्ट करेंगे तो निंटेंडो में जरूर हम लोग खेलेंगे, प्लीज आप लोग सपोर्ट करना, ये सस्ता प्रमोशन और अच्छा सस्ता प्रमोशन ले चुका हो। तो यहाँ पर हमें पोकेमोन कहाँ रहता है, अरे ये रहा, ये ना ये हाँ, यहाँ पर पार्सल मिलने वाला है, तो अभी 9 मिनट का वीडियो बन चुका है, फिर भी कोई बात नहीं, अभी हम लोग इंटरेस्टिंग है ना, इसलिए तो जैसा मैं कर रहा हूँ अभी ये सीरीज को, आप लोग भी वैसे कॉपी कर लेना मुझसे, मतलब कॉपी पेस्ट मार लेना ऐसे ही, मेरी सीरीज को फॉलो करते रहना, और हमेशा देखने आऊँगा, मैं शाम को दे दूँगा, ये 1 महीना तो आराम से दे पाऊँगा, क्योंकि हमारा स्कूल खत्म हो चुका है, 1 महीना छुट्टी है, तो ये सीरीज भी 1 महीने तक ही चल जाएगा। तो अभी रात हो रही है, मैं रिकॉर्ड रात को कर रहा हूँ, तो गेम में भी रात हो रही है, ये अच्छा लगा मुझे, हमने प्रोफेसर को दे दिया है, और ये हमारा घर गल आ चुका है, अभी ये पुकी बोल छोड़ पुकी टेक्स हमें दे देंगे गाइस। तो आप लोगों ने देखा कि आज के एपिसोड में हम लोगों ने ये मतलब ये ला चुका हो, हम लोगों ने पार्सल ला दिया है, और अपना पहला स्टार्टर चूज किया है,
तो अभी और हम लोग थोड़ा कुछ आगे ले चलते हैं एपिसोड को, थोड़ा वीडियो को लंबा कर देते हैं इससे हमें व्यूज मिले इंटरेस्टिंग हो। और वैसे मैं ये इसे लाना अच्छी बात है कि आप लोग ट्राई करें, रोज रोज एक ही गेम में तो पक जाएंगे आप लोग। सो मैंने सोचा एक और सीरीज स्टार्ट कर देते हैं, तो बाकी सब तो ठीक है, तो इसको भी हरा देते हैं क्योंकि थोड़ा ही लेवल अप होने में बाकी है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं अपना, यहाँ शुरू करना है, अभी ख़त्म ही हो चुका है ये, अभी ख़त्म हो चुका है गाइस। चलो लेवल 8 का कर दिया है मैंने, 9 को लान को क्विक अटैक हो चुका है। अभी वहाँ पर मुझे कुछ पप्पूस लोग दिख रहे हैं जिसे हमें हराना है, तो अभी मैं बुकिंग का हल लिख लेता हूँ। तो एक मिनट ये पोशन यूज कर लेता हूँ, आप चल लेता हूँ क्योंकि ये बुकमन चलता है मुझे लिखना होता है। ये देखो इधर हील करने को मिलता है लेकिन हील नहीं कर क्या जाता, और यहाँ पर मतलब बुकमन को हील करने में आप लोग बुकमन चलता जा भी सकते हो। और यहाँ पोशन जाता है हाइपर पोशन, सुपर पोशन, मैक्स पोशन और नॉर्मल पोशन। तो मैंने अभी जो इस्टेमेंट किया नॉर्मल पोशन है, इधर लेवल में यही मिलता है, अभी जाकर हमें आगे। तो पहले हम लोग इनसे बात करते हैं, ये तो हमारा पहला राइवल खेलना है। तो चलो ये दोनों कुछ कंपनी का लगता है, आगे जाकर हमें पता लगेगा। बस वो बैटिंग स्टार्ट हो गया, मैंने तो इन्होंने कुछ पता ही नहीं सकता क्योंकि जो चलना है चलने दें। चलो ये दो पप्पू लोगों को, इसके पास पोकेमॉन एक्स एंड वाई का पोकेमॉन फायर टाइप का है, और मेरे पास ये पोकेमॉन जर्नी का जो नया वाला सीरीज है उसका उसका पोकेमॉन है। वैसे मुझे एक चीज़ मतलब देखने में बुरा लगा कि उसने थोड़ा सपोर्ट मांगा है, और जिसने इस गेम को बनाया है तो उसने कहा इसका आप लोग प्लीज़ कॉपी वर्जन मत करना, अगर आप लोग कोडिंग जानते हैं वो करते हैं। तो इसने कहा कि आपको ये सब करना है को उसने बना गया है कॉपी करके या सेकंड वर्जन बनाने का, तो आप लोग प्लीज़ ऐसा ट्राई मत करना, बेचारी का मन चला जाएगा। तो अभी हम लोगों ने इन लोगों को हरा दिया है, मुझे पोकेमॉन सेंटर जाना होगा। और वो ये कि ये एक्वा और कुछ धोने ऐसा, और ये क्या है वो ये हमें एक सुपर पावर्स मिल चुका है। तो गाइस आप लोग अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अभी हम लोग हील करते हैं। तो मैं अभी एक चीज़ बोलने वाला हूँ, फिर को एक मिनट इस साइड में ये क्या है, ये मैंने तो कभी देखा नहीं, एक मिनट यहाँ नहीं चाहिए। ये क्या है एबिलिटी कैप्सूल, अच्छा ये एबिलिटी मतलब याद है। तो गाइस जो जो पोकेमॉन नहीं देखता आज पहली बार हमारे चैनल के उससे देख रहे हो, लोगों को शायद पता नहीं है कि ये सब क्या चीज़ है, क्या बोल रहा हूँ मैं, या भी ये जो श्रेणी है उसने हमें क्या दिया। तो मैं इसके लिए कल एक छोटा सा 5 मिनट का टॉपिक मतलब फॉर्मूला जो होता है ना वो सब मैं आप लोगों को बताऊँगा। कल का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, हम आगे जानने वाले और क्या क्या होने वाला है इस गेम में। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कल आप लोगों को पूरा गेम में समझा दूँगा। तो आज तो स्टार्टिंग किया है सर, तो कल मिलते हैं, बाय बाय, और सब्सक्राइब लाइक करके जाना।